ये देखिए साग मुठी का फैक्ट्री फैक्ट्री का नजारा कुछ ऐसा अंदाज। इधर का नजारा देखिए कुछ इस प्रकार का। वाह, हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे डिविट टेक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अभी आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, अभी हम सागमुठी बागान में है। और इस तरफ का अगर नजारा आप लोग देखेंगे तो देखिए ये सब पूरा चाय बागान है। और इस तरफ अगर आप लोग नजर डालेंगे तो ये सब में पूरा गोलमरीच लगाया हुआ है। देखिए यहाँ का नजारा कैसा है, आप लोग को हम थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा गोलमरीच का पेड़ है और ये सब चाय बागान। देखिए यह है चाय बागान और ये सब गोलमरीच। थोड़ा सा हम जाके दिखा देंगे नजदीक से। ये देखिए गोलमरीच पूरा टाइटे लगा है। ये सब मतलब ये देखने में थोड़ा पान का पत्ता जैसा होता है, लेकिन पान का पत्ता नहीं है, ये है गोलमरीच। देख सकते हैं इसका फल कुछ ऐसा है। देखिए ये देखिए बहुत झाला लगता है, मतलब थोड़ा अलग टाइप का होता है। देखिए कुछ इस प्रकार का पान का साथ पूरा मिलता है। पूरा गोलमरीच लगाया हुआ है। देखिए ये सब चाय बागान है, देख सकते हैं। अभी तो इस टाइम का सीजन में मतलब पत्ता थोड़ा कम निकलता है, तो अभी इसको पूरा कलम काटेंगे, उसका बाद में फिर नया वाला पत्ता निकलेगा। तो यहाँ का नजर आप लोगों को हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए हर पेड़ में पूरा गोलमरीच लगाया हुआ है, तो यहाँ से भी पैसा निकलने का एक रास्ता। इधर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से थोड़ा आप लोग को पूरा नजारा हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। इधर देखिए नाला होता है, इधर बागान ड्रेन बोलते हैं, मतलब पानी भरने के बाद भी यहाँ से पूरा पानी निकल जाता है, नहीं तो चाय बागान जो होता है ना वो सब मरने का एक संभावना है। यहाँ से आप लोग को थोड़ा हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये है, अगर 360 डिग्री में आप लोग को हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे तो हर पेड़ में आप लोग को पूरा गोलमरीच का पेड़ दिखाई देगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ पूरा दूर दूर तक पूरा गोलमरीच है। और बागान इतना बड़ा है कि पूरा दिन भर अगर हम लोग घूमेंगे तो पूरा खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है। हाँ, हरा भरा। हम लोग का असम में सिर्फ चाय का खेती होता है ज़्यादा, और अलग अलग खेती भी होता है, लेकिन चाय का ज़्यादा फेमस है। यहाँ से हर पूरा देश में सप्लाई जाता है। ये देख सकते हैं पूरा कुछ इस प्रकार का। और आगे आप लोग को हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, आगे भी बहुत खतरनाक खतरनाक जगह भी है और नज़दीक में पहाड़ है। पता नहीं है, अगर आप लोग को पता है, जो भी असम एरिया से है जिसको भी पता है कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। और इस तरफ का नजारा देखिए, और ये है रास्ता, कभी भी मतलब यहाँ से गाड़ी साड़ी जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। देखिए और आगे भी पूरा रास्ता है अलग अलग जगह जाने के लिए। बस इधर का नजारा ऐसा है, तो चलो आगे हम थोड़ा जाके दिखाते हैं आप लोग को उस। अपना मोबाइल से जैसा तैसा हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आएगा। और मौसम
खराब होने का कारण से वीडियो भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो वीडियो बनाते बनाते हम लोग थक गया है। अभी सागमोटी का जो बागान का किंटिंग है यहाँ हम लोग आया है चाय लेके। ये सिंगड़ा चाय पूरा दूध चाय लिया है, टाइटल पी रहे हम लोग। ये है अंकल हम लोग का। मैं बोला गया समोसा अच्छा है बोलकर, समोसा अच्छा है बोला। ठीक है, कौन बोल रहा है? देखिए अलग अलग बगान में ऐसा चिंटिंग नहीं होता है, मतलब एक चीज आप लोग को दिखा देंगे, यहाँ का मट्टी देखिए थोड़ा लाठा टाइप का होता है, जैसा कि सीमेंट जैसा लाठा होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है और बहुत टाइट होता है। जब सूख जाएगा ना, पत्थर का जैसा टाइट होता है वाला, देखिए थोड़ा सा। और यहाँ का मट्टी देखिए इतना लाल है और बहुत ज्यादा टाइट होता है वाला मट्टी देखिए। और जैसा कि अपना आंख से अगर देखेंगे तो पूरा लाल दिखाई दे रहा है, और वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो इतना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बस ये आप लोग के लिए इतना कास्ट करके वीडियो बना रहा है। आप लोग पूरा लाइक कर दीजिएगा, पूरा फैला दीजिएगा जितना हो सके, पूरा इंडिया का कोना कोना आप लोग फैला दीजिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तब तो आप लोग के लिए पूरा अच्छा वाला धासु धासु वीडियो लेके आएगा।